बस्ती से रत्नेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट। बस्ती पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, जिसमें वो ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है, जो एक दुकान से मोबाइल को पहले चोरी किया, फिर सड़क पर राहगीरों को बेहद कम दाम में बेच दिया। एसपी ने इस चोर को पकड़ कर 25 चोरी की मोबाइल पकड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दुबौलिया पुलिस S00G0 टीम व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी कुणाल सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके पास से चोरी के 26 अदद मोबाइल, 7 अदद चार्जर, 03 अदद मोबाइल बैटरी, 1 अदद एयरफोन, चोरी में प्रयुक्त 1 अदद आला नकब भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि थाना दुबौलिया के विशेषरगंज चौराहे पर N00K0 मोबाइल सेंटर के नाम से नीरज सोनी की दुकान है। दिनांक 26 सितंबर की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा N00K0 मोबाइल की दुकान में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल व मोबाइल से संबंधित अन्य सामानों की चोरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मोबाइल सेंटर के दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकान में से चोरी की थी और चोरी की मोबाइल को राहगीरों को कम दामों पर बेच देता था और जो रुपया मिलता है उससे जेब खर्च चलाता था। बाइट हेमराज मीना, एसपी। देखिए, आज थाना दुबौलिया और हमारी एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से एक मोबाइल, एक चोर है बेसिकली, जो कुणाल सिंह इनका नाम है और ये थाना जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, छपिया मलिक के, और इनको पकड़ा गया है। और इनके पास से करीब 26 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की कंपनीज के हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी रिकवरी है, और इसके साथ मोबाइल चार्जर भी मिले हैं, 3 बैटरियाँ मिली हैं। इसके अलावा जो इसने ताला तोड़ के और जो चोरी करी थी, तो उसके लॉट भी इसमें बरामद हुई है। इस तरीके से ये रात्रि में इन्होंने चोरी किया था, ये इसका मुकदमा पंजीकृत था थाना दुबौलिया है, यानी कहाँ पर दुबौलिया है। किस तरह चोरी की घटना अंजाम दी, मतलब ये रात्रि में बंद दुकान में से पहले जाते थे और रोड से पहले ताला तोड़ के और फिर उन्होंने चोरी करने की ये घटना करते थे। तो इस तरीके से ये एक साथी चोर था, और इससे चोरी करने के बाद में ये मोबाइल को फिर देहात क्षेत्र में लाके बेच देता था। उसी से ये पता चला कि इनके द्वारा ये मोबाइल यहाँ पर बेचे गए, उसी से रिकवरी इनसे की गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।